हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भुने हुए आलू से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम नए तरीके की यूनिक रेसिपी। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, बिना स्किप करें पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में नमक को 2 से 3 मिनट गर्म कर लिया है अच्छे से। और ये हमने आलू लिए हैं 250 ग्राम छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, इसे हम इसमें डालेंगे नमक में। तो फ्रेंड्स ये नमक हमारा यूज़ किया हुआ ही है, आप बेक करने के लिए जो नमक यूज़ करते हैं उसे आप किसी भी डिब्बे में स्टोर के रखिए, और जब भी आपको कुछ बेक करना हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और आलू को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया और साफ कपड़े से पोंछ लिया है इसको, तो ढक देंगे। तो ये आलू को हम भुनने देंगे। तो ये 3 से 4 मिनट हमने आलूओं को इसमें पका लिया है, और फ्रेंड्स बीच बीच में हमने इसको पलट भी दिया जैसे कि आलू जले ना। तो अब हम चेक करेंगे इसको, तो ये नाइफ डाल के इस तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं। देख सकते हैं एकदम स्मूथली नाइफ अंदर जा रहा है, आलू हमारे पक चुके हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में आलू अच्छे से पक जाते हैं। बस आलू आपको बहुत बड़ी साइज़ के नहीं लेने हैं, छोटे साइज़ के आलू लोगे तो बहुत ही कम समय में बिल्कुल जल्दी पक जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू लेते हैं फिर उसको टाइम लगेगा। छोटे आलू लेने से एक तो आलू सस्ते आते हैं, समय की भी बचत होती है और पैसों की भी बचत होती है। तो ये आलू हमारे पक चुके हैं इसलिए हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम नमक से बाहर निकालेंगे। तो ये आलू को हमने छील लिया है, छीलने के बाद अब इसमें हम फॉक से इस तरीके से इम्प्रेशन दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छोटे साइज़ के आलू है उसको हमने साबुत ही रखा है, और जो हल्का से बड़े थे उससे उसको हमने हाफ़ पीसेस में कट कर दिया है, यानी हाफ हाफ कट कर दिया है। तो सारों आलू ऊपर इसी तरीके से इम्प्रेशन दे देना है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला चटपटा टेस्ट देने के लिए, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे थोड़ा सा, अगर है तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, और तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी चटपटा खाना पसंद करते हो आप। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हमें मैरिनेट कर लेना है मसाले में। तो इसमें हम कुछ बूंद पानी की छींटे लगाएंगे जिससे कि मसाला अच्छे से आलू में लग जाए, क्योंकि आलू बिल्कुल हमारे सूखे हैं तो मसाला अच्छे से लगाने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ बूंद ही पानी के डालना है। तो मसाला अच्छे से लग चुका है, अब इसे हम एक साइड रख देंगे। अब हम एक बोल में 1 कप बेसन लेंगे, बेसन को हमने छान के लिया है, इसमें भी हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार ही नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसमें हम पानी ऐड करके इसका घोल रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आलूओं में मसाला लगा लिया है इसीलिए हम बेसन में और कुछ चीज़ ऐड नहीं करेंगे, सिंपल ही रखेंगे, सिर्फ हमने हल्दी और नमक इसमें ऐड किया है, और इसे हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए घोलना है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि आलू को भुनने के इतने झंझट क्यों करें, इससे अच्छा तो आलू बॉईल कर लेंगे, लेकिन यकीन माने आलू आपके इतने जल्दी बॉईल कभी नहीं होंगे जितने जल्दी ये आलू भुन जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल कम समय में भुनकर रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड है। और दूसरा ये कि जो आलू बॉईल है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा टेस्ट ये भुने हुए आलू का आता है, बिल्कुल अलग ही फ्लेवर देता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, तभी आपको पता चलेगा कितने ज़्यादा टेस्टी ये लगते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स हमने अपने चैनल पे कई अलग अलग तरीके के यूनिक पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रखी है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, उनका लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, वो भी बहुत ही यमी लगते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके के पकौड़े की रेसिपी अभी तक हम आपको बता चुके हैं जिसे आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो बेसन को हमें अच्छे से खोलना बहुत ही ज़रूरी है पकोड़े बनाने के लिए, सबसे मेन यही होता है कि बेसन अच्छे से घुलना चाहिए, और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं एकदम पूरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और एकदम पतला भी नहीं करना है।
तो ये हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है, धुआँदार नहीं होना चाहिए लेकिन अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब जो हमारा बेसन का घोल है उसमें हम आलू को डिप करेंगे और उसे ऑयल में डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से ये करें, जब पकोड़े बनाते वक्त बिल्कुल ध्यान रखें ऑयल में डालते वक्त। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है, तो थोड़ा फ्राई होने के बाद इन्हें पलटेंगे हम और पलटते हुए ही फ्राई करेंगे। तो देखिए ये पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई फ्राई करने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। आलू जो हमारे हैं वो पहले से ही कुक्ड है, तो ऑयल से बाहर निकालेंगे और देख सकते बहुत ही यमी लग रहा है फ्रेंड्स, और यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते भी है खाने में ये पकोड़े। इसी तरीके से सारे पकोड़ों को हम फ्राई करेंगे। तो लीजिए, ये हमारे आलू के बहुत ज़्यादा टेस्टी पकोड़े रेडी हो चुके हैं। आप इसे किसी भी चटनी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये पकोड़े लगते हैं खाने में, जिसे आप शाम के चाय के साथ खा सकते हैं। गेस्ट घर में आए हैं उन्हें सर्व कर सकते हैं, या फिर रमज़ान के लिए इफ्तारी के लिए आप बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और आसान आलू के पकौड़ों की रेसिपी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें घर पर एक बार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने प्यार से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।